हाय गाइस, तो आज मैं बनाऊंगी शामी कबाब। तो आइए गाइस इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो गाइस ये मैंने लिया है आधा किलो कीमा और एक कप चने की दाल। तो ये मैंने थोड़े से गरम मसाले भी ले लिए हैं, साबुत लाल मिर्च ले लिए है मैंने, तेज पत्ता भी ले लिया है मैंने 3-4, और काले मिर्च भी ले लिया है मैंने, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े भी ले लिए, एक चम्मच जीरा ले लिए और थोड़े से जावित्री के फूल भी ले लिए, और 7-8 लौंग भी ले लिया है मैंने, और एक बड़ी इलायची ले लिया, और 4-5 हरी मिर्च भी काट लिया है मैंने बारीक बारीक, और एक प्याज भी बारीक काट लिया है, और ये है हरा धनिया, और 2 प्याज को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है मैंने, और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये मैंने थोड़े से जिंजर लिए हैं, और ये है 1 गार्लिक। चलिए गाइस देखते हैं बनाते कैसे। अब मैं डाल दूंगी कीमा, अब मैं ऐड कर दूंगी चने की दाल, और जो मैंने साबुत गरम मसाले निकाल के रखे थे वो सब भी ऐड कर देंगे। ये प्याज भी मैंने कट करके रखा था, ये भी ऐड कर देंगे, और जिंजर गार्लिक और नमक और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। और मैं आधा कप पानी डाल दूंगी और इसको अच्छे से गाइस मिक्स कर देना है। अब मैंने इसका लिड लगा दिया है और 2 और 3 विसल आने तक मैं इसको कुक करूंगी लो फ्लेम पे। तो गाइस मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। गाइस इसमें थोड़ा पानी रह गया है, मैं इसको 5 मिनट तक अच्छे से इसका पानी सूखने दूंगी। देखिए गाइस पानी भी सूख चुका है। पूरा अच्छे से पानी सूख चुका है गाइस। अब इसको मिक्सी में डालेंगे और पीस लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ये देखिए मैंने पीस लिया है। इसको मैं बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। अब इसमें डाल देंगे ये हरा धनिया और ये बारीक मैंने प्याज कट करके रखा था, ये सब डाल देंगे, और ये हरी मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको टिक्की के शेप में ऐसे कर लेंगे। ये मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। मैं बनाऊंगी नॉन स्टिक तवे पे, आप इसको पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने तवे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है।
इस पे एक एक करके गाइस कबाब रखते जाएंगे। इस तरह से गाइस इसको पलट लेंगे। अब इस तरीके से कलर देखिए गाइस इसका, मैंने सारे कबाब पलट लिए हैं। दूसरी साइड से भी गाइस मैंने पलट लिया है, देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। मैंने प्लेट में निकाल लिया है सारा, देखिए। तो गाइज़ आपको मेरी शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं मुझे। और गाइज़ आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी नई नई अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहे। तो गाइज़ अपने घर पे आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। बाय गाइज़।